हेलो बच्चों। तो यार फाइनली जेई का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है आज। ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा एनटीए को वैसे वैसे बात मान लिया उसने, और उसने फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है आज। तो अब देख लेते हैं क्या प्रोसेस है जेई और जोसा, सीएसएबी, जीएफटीआई काउंसलिंग, जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़ एंड अदर अदर काउंसलिंग प्रोसेस। यू कैन गेट आईआईटी। अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल है तो प्रिपेयर कीजिए आईआईटी की ओर। ठीक है, क्योंकि आईआईटी से बेटर और तो कोई कॉलेज नहीं मिल सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा प्राइवेट क्यों ना हो, कि आईआईटी क्यों ना हो, कितने भी लाखों में फीस क्यों ना ले, लेकिन आईआईटी जैसा माहौल मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो यू कैन प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जेईई एडवांस। ओके बच्चों, तो अपन बात कर लेते हैं कुछ आज जीएफटीआई की, जो कि अच्छी ना लो ना जस्ट टॉप नॉर्मल और लो रैंक पे आसानी से मिल सके आपको। ओके बच्चों, तो चलो देख लेते हैं कुछ इनकी प्रोसेस, एडमिशन, रैंक। अगर आपकी जेई परसेंटाइल ठीक नहीं है तो आप जस्ट इसका वेट ना करें बच्चा पार्टी। ठीक है, आप इसका बिल्कुल भी वेट ना करें, जोसा में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल की रैंक मैच कर ले। ठीक है, एटलीस्ट 50 से 60 का डिफरेंस है तब तक तो ठीक है, वरना फिर आपको वेट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है आपको इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। और एटलीस्ट 11वें महीने तक, 11वें क्या 12वें महीने बाद, 12वें महीने तक इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, चलेगी। तब तक तो ऑलमोस्ट अभी स्टेट्स के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजों की क्लासे तक स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको जस्ट आपकी शायद 1 साल फिर से बर्बाद हो जाएगा, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, परसेंटाइल ठीक नहीं है तो आप डायरेक्ट डोनेशन बेस पे या अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को ग्रैब कर ले। ठीक है, अचीव कर ले, किसी भी हाल में आप जो है एडमिशन ले ले किसी भी अच्छे कॉलेज में। ठीक है, ये नहीं है कि आपको जस्ट एडमिशन रिगार्डिंग जल्दी जल्दी किसी हर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और ज़्यादा काउंसलिंग वगैरह के चक्कर में ना फंसे। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं वहीं पे रैंक वगैरह चेक करके देख लें। ठीक है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को टीचर्स वगैरह आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट 10-15 हज़ार में अगर प्रोवाइड कर दे तो वो अच्छी बात है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन वो भी आप जांच करके कि जस्ट लाइक टीचर है कि नहीं है, ऐसे मैं उल्लू तो नहीं बना रहा। ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेते हैं। दिस इज माई कॉलेज बीएसएससी पटियाला, एंड यहाँ पे कुछ सीटें अवेलेबल है अभी। ठीक है, एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल। ठीक है बच्चों, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कुछ ब्रांचों की जिसके अंदर स्कोप है भी, जिसके अंदर जस्ट अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो कुछ काम का है। ठीक है, 4 साल तक जिसका कुछ पोटेंशियल मिलेगा आपको, अगले 2 साल में जिसका कुछ पोटेंशियल सुनने को मिलेगा। तो फर्स्ट अपन प्रेफर करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सभी की वही होगी फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो वो सभी को तो मिल नहीं सकता, सभी को बताएं। ठीक है, लेकिन सभी वही रखते हैं कि फर्स्ट तो अपन को ये मिले तो ठीक है। सेकंड अपन बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि सारे के सारे बिलीनियर उन्हीं की वजह से चल रहा है सब कुछ, ये पूरा देश, पूरा सिस्टम, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, टाटा इंडस्ट्री, एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और अगर तीसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और फिर से तीसरे नंबर पर जो है एरोनोटिकल इंजीनियरिंग। बाद में फिर अपन को जो खाने के लिए चाहिए वो है फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आजकल कुछ जो नए कोर्सेस आ गए हैं पेट्रोलियम वगैरह, इसका ज़्यादा इसके अंदर एडमिशन थोड़ा रुचि कम ही रखे, क्योंकि पेट्रोल जाने वाला है, टेस्ला आ गई है देश में। ठीक है, पता है सभी को टेस्ला आ गई है, ऑलमोस्ट अमेरिका वगैरह में सब कुछ वहाँ पे हो गया है। ठीक है, ख़त्म पेट्रोल सेट्रोल। ठीक है, तो इसके चक्कर में ना फंसे, पेट्रोल का नहीं चलने वाला ज़्यादा सब कुछ। ठीक है, हाइड्रोजन की बसें बन चुकी है, गाड़ियाँ बन चुकी है, तो पेट्रोलियम का कहाँ इसको बचेगा बताइए। तो ऐसे कोर्सेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आज से 2 साल पहले था इसका बहुत ज़्यादा स्कोप, लेकिन जब से इलोन मस्क ने जो है टेस्ला वगैरह लॉन्च किया है, ठीक है, टाटा इंडस्ट्री ने हाइड्रोजन पे जो उखाड़ा है, तो उसको देखते हुए जस्ट लाइक इसके अंदर कुछ भी स्कोप नहीं है। तो मैंने आपको 4 कोर्सेज बताए हैं, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस, एरोनोटिकल, फूड टेक्नोलॉजी जी, और आप इसके अंदर आगे ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल भी। ठीक है वैसे, ठीक है, और तो वैसे ये मैकेनिकल तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज बंद ही कर रही है, क्योंकि एरोस्पेस ने इसको पीछे हटा दिया। ठीक है, मैकेनिकल से करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, और मैकेनिकल तो ऐसे ही है, ठीक है, बर्बाद हो गया पूरी तरह। सिविल वैसे उतना अच्छा नहीं है, ठीक है,
सिविल का भी ऑलमोस्ट कोविड के कारण इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 से 10 साल भी लग सकता है इस इंडस्ट्री को, ठीक है। ये बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो सिविल भी वैसे अगर आपकी बहुत ज़्यादा चॉइस है, फैमिली के अंदर कोई इंडस्ट्री वगैरह इंटरेस्ट है, परिवार में कोई है इस इंडस्ट्री में, तो आप ले सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमारे परिवार में कुछ है ऐसी इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो वो जस्ट कर सकते हैं प्रेफर, ठीक है। वैसे ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक, वैसे उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट अभी ख़राब ही चल रही है, ठीक है। अगर इस मोमेंट पर अगर अपन बात करें तो, ठीक है, तो हमारा कॉलेज जो है एयरोस्पेस ले सकते हो, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें जस्ट डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है, ठीक है। एंड मतलब तुम्हारा अच्छी रैंक हो बुरी रैंक हो उससे नहीं, ठीक है, 5-10 सीटें तो हो ही जाती है, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा सीटें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, 10-15 सीट मिल जाएगी तुमको, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे तुमको बोलना पड़ेगा यूट्यूब वीडियो देख के आए मैं, ठीक है बच्चों। तो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आजकल जस्ट असम यूनिवर्सिटी सिलचर, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उतना अच्छा नहीं है, असम के अंदर है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस अगर मिल रहा है कहीं भी तो ले लो, ठीक है, कैसा भी हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी GFTI के अंदर, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाप कॉलेज है, ठीक है, मेसरा रांची ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जस्ट चेक कर सकते हो। ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुमको मैं बता सकूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज है जिनका बता दूंगा, ठीक है। और ये जो है गुरुकुल, ये भी नहीं है, ठीक है। नीचे चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक ठाक है, ओके। और PSSC पटियाला का नाम याद रखना, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, ठीक है, अपना ही कॉलेज है वैसे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बहुत अच्छा है। और ये संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा है, ठीक है, उतना मतलब ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। मिजोरम यूनिवर्सिटी बहुत दूर का हो गया, ठीक है, जब तुम उधर से बिलोंग करते हो तो ले लो, ठीक है। और वैसे मैकेनिकल तो नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी डायरेक्टली चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, दोस्तों की तरफ जाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही करा सकते हो, ठीक है भाई। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ बाप कॉलेज है वैसे तो, ठीक है, एरोस्पेस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें 97-98% चाहिए, ठीक है। एरोस्पेस के कॉलेज है ही नहीं वैसे, अगर बात करें तो PSSC पटियाला, PEC चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, IIST शिवपुर, और ये जो है JNU जो है, इतना ही कॉलेज है वैसे। एक RTU कोटा है, ठीक है, वो उधर राजस्थान साइड वगैरह उसका प्रोसेस ज़्यादा होता है कुछ, ठीक है। और कोई कॉलेज ही नहीं है, तो जस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर क्यों भाग रहे हो यार, कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि कॉलेज ही नहीं है, कॉलेज नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे, राइट। तो मतलब इंडस्ट्री तो बहुत इसको केबल है यार, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो आसमान, चांद, तारे, वायुयान, विमान, ठीक है, तो तुम ले सकते हो, ओके। और अपन अगर बात करें तो उतना ठीक ठाक है वैसे GFTIs, ओके। और फूड टेक्नोलॉजी को थोड़ा देख सकते हो, ये गानीकान वेस्ट बंगाल वाला भी वैसे भी ठीक ठाक है, ठीक है। कैंपस तो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है वैसे, प्राइवेट से अच्छा है, ठीक है। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है यार, ठीक है। और जस्ट अगर बात करें इंटरनेशनल, ये IIIT भुवनेश्वर ठीक है, ठीक है, एंड मोमेंट पे लास्ट में स्पोर्ट राउंड पे डायरेक्ट देता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली बाप कॉलेज है, ठीक है, ले सकते हो कुछ भी ब्रांच मिले तो, ठीक है। और ठीक है, जवाहरलाल नेहरू में तो कुछ भी मिले ले लो, ठीक है, मिल रहा है अच्छी बात है, ओके। और श्री माता वैष्णो देवी जम्मू, ठीक है ना, अच्छा कॉलेज है, लेकिन उधर मुझे बॉर्डर लगता है भाई पाकिस्तान वगैरह, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करता, जो हमला कर दिया तो हमारे ऊपर चाचा ने, ओके। और वैसे ठीक ठाक है NIT वगैरह, तो उसके अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा समय पड़ा है, JEE एडवांस की ओर फोड़ो, ठीक है। PSSC पटियाला में क्लासेस स्टार्ट हो गई, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एरोस्पेस बहुत स्कोपेबल है, ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि इंस्टीट्यूट ही नहीं है अगर, और जो जॉब्स ज़्यादा है, इंस्टीट्यूट कम है, कंपटीशन कम है, तो पढ़ोगे नहीं तो भी जॉब तो लग ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही मैं पढ़ता नहीं इसीलिए, ठीक है, तो तुम भी टारगेट कर सकते हो PSSC पटियाला की ओर, ठीक है। दो चॉकलेट खिलाओ, एडमिशन पाओ, ओके बच्चा।
ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे बाबा। इंक्वायरी रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस के जैसे टॉप कॉलेज है, आईके गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट डोनेशन पे एडमिशन दिला सकते हैं तुमको, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। MRS पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बाप कॉलेज है।